यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट जो है एक्सटेंड कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म किसी वजह से मिस कर दिए थे। तो देखिए बीटेक कोर्स के अंदर भी एक्सटेंशन हुआ है जिनके लिए अभी इस साल इन्होंने नए रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो बीटेक कोर्स के लिए भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है एक्सटेंड करी गई है। बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है सीएसएएस के पोर्टल के अंदर, एक्सटेंशन ऑफ फेज़ वन एंड फेज़ टू ऑफ सीएसएएस 2023 द यूनिवर्सिटीज एक्सटेंडिंग फेज़ वन एंड फेज़ टू टिल दी 26th of July। अब आप क्या कर सकते हैं, जो अभी तक आपकी जो डेट रखी गई थी सेम एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं 26 जुलाई तक। पहले क्या था कि 24 जुलाई तक आज यानी कि आज इसको जो ओवर कर दिया गया था, बट कैंडिडेट वो हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर फेज़ वन और दोज वो हैव कम्प्लीटेड फेज़ वन बट हैव नॉट प्रोवाइडेड दी प्रेफरेंसेस शैल बी एबल टू डू सो टिल दी 26th of July। यानी कि अगर आपने फेज़ वन में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था और जिस स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग भी नहीं करी थी वो स्टूडेंट भी इस दौरान अपनी जो है चॉइस फिलिंग कर पाएगा 26 जुलाई तक और फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। तो इसके बाद आप लोगों को और मौका मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा और बाकी जो आप लोगों की जो प्रेफरेंसेस है वो ऑटो लॉक हो जाएगी 27th of July को, जैसा कि हमें पहले दिया गया था नोटिफिकेशन वही सेम रहने वाला है। बाकी आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि 26 तारीख तक आपका जो है एक्सटेंशन हो गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप सेविंग प्रेफरेंसेस ऑन रेगुलर बेसिस। कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर अपनी चॉइसिस को सेव नहीं करते हैं, सिर्फ चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हैं। तो अगर ये ऑटो लॉक होता है और आपने सेव नहीं करा तो आपकी चॉइसेस कंसिडर नहीं करी जाएगी। तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंसेस को भर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसका सेव भी कर दें ताकि ऑटो लॉक के टाइम ड्यूरेशन पीरियड पे वो आपकी जो चॉइसेस है यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दी जाए। और जो स्टूडेंट करेक्शन के लिए परेशान थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि करेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है कैंडिडेट्स ने वो करेक्शन कर पाएंगे 26 जुलाई तक और इसके अंदर भी जो कंडीशन थी सेम वही रहने वाली है कि नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी ये सब चीज़ नहीं कर सकते। बाकी आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड कर सकते हैं अगर आपने उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ करी थी तो। पब्लिक अवेयरनेस के लिए दोबारा से एक वेबिनार होने वाला है यूनिवर्सिटी का 25 जुलाई को, यानी कि कल दोपहर में 3 बजे इनका जो है वेबिनार लिया जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई डेट्स एक्सटेंड हो गई है और अपनी जो है इस बार थोड़े ज़्यादा मतलब ढीले मत पड़ना, अपने पहले पहले जो है 26 जुलाई से पहले पहले अपना सब कुछ कंप्लीट कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।